हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम एड्स बना सकते हैं। लाइक मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है इंस्टाग्राम एड्स के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम एड्स के A to Z पॉइंटों को बताते आ रहा हूँ, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। और फेसबुक अकाउंट के साथ साथ कुछ अगर आपको एडिशनल ऑप्शन चाहिए, आपको इन डेप्थ इंस्टाग्राम एड्स यूज़ करना है, तब वो ऑप्शन आपके लिए सही है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तब वो लोग कैसे करेंगे, किस तरह से वो ऐड रन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पे हम सारा कुछ करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए इंस्टाग्राम एड्स हम क्यों यूज़ करते हैं। मेनली देखिए, हम जब पैसे पे करते हैं इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम हमें उस पैसे के बदले कुछ रिटर्न प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं, जो गोल्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ गोल्स होते हैं जिन गोल्स के हिसाब से अगर आप चूज़ करोगे तो वो आपको इंस्टाग्राम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। चाहे आप मैसेज चूज़ करो, चाहे आप वेबसाइट विजिट चूज़ करो, चाहे आप प्रोफाइल विजिट चूज़ करो, जो आप चूज़ करोगे वो इंस्टाग्राम आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बेसिस पे इंस्टाग्राम अपने पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा आपके इस एड में और एड्स मैनेजर के एड में। ठीक है, अगर एड्स मैनेजर की एड अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे आपको कहाँ पे कैसा क्लिक करना है, सब कुछ मैंने गाइड किया हुआ है। ठीक है, सो तो यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये इंस्टाग्राम का पेज है वेब अकेडमी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोस्ट हमने जो है अपलोड किए भी हुए हैं, ये सारे पोस्ट हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से कोई एक पोस्ट, कोई भी हम एक पोस्ट लेते हैं, सपोज करते हैं यही पोस्ट ले लेते हैं हम लोग। इस पोस्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, बूस्ट करने वाले हैं, इस पोस्ट को हम एड रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, बूस्ट पोस्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, ये आपका इनसाइट है। ये इनसाइट तो तब काम आएगा जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किसी कैसे हम किस पोस्ट को हमें बूस्ट करना चाहिए वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं बूस्ट पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि कैसे बूस्ट पोस्ट करना है, कैसे करना है, क्या 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 ऑप्शन आते हैं, ये सब के बारे में। तो हम सिंपल बूस्ट पोस्ट में क्लिक करता हूँ मैं। याद रखिए, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन उस पोस्ट में नहीं आएगा जिस पोस्ट में आपने म्यूजिक चूज़ किया होगा। ठीक है, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिसमें आपने म्यूजिक चूज़ किया है उसमें ये ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। फर्स्ट कौन सा, मोर प्रोफाइल विजिट, सेकंड मोर वेबसाइट विजिट, थर्ड मोर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपको क्या चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोफाइल में आए, तब आप फर्स्ट चूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर लोग जाएँ, तब आप सेकेंड चूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैसेज आए आपके पास, तो आप थर्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ प्रोफाइल, हम वेबसाइट विजिट चूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैंने वेबसाइट विजिट चूज़ किया, नीचे वेबसाइट ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। क्यों लिख के आ गया, क्योंकि मैंने अपने प्रोफाइल पे ये वेबसाइट डाल रखी है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं एडिट में क्लिक करके। अभी के लिए मैं इसी पे करना चाहता हूँ, तो मैं अब इसी पे नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। ठीक है, फोर स्टेप्स में हमारी पूरी एड कम्प्लीट हो जाने वाली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख सकते हो, मतलब फेसबुक जो इंस्टाग्राम है अपने हिसाब से आपके पोस्ट को समझ के अपने हिसाब से लोगों को दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको मैनुअली टारगेट करना है तो यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट योर ओन। ठीक है, इस क्रिएट योर ओन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लोकेशन टारगेट करेंगे, इंटरेस्ट डालेंगे, ऑडियंस का नेम हम डाल सकते हैं XYZ। ठीक है, लोकेशन हम जिस लोकेशन पे अटेंड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर रायपुर सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पर रायपुर सिटी इंडिया एंड डन। ठीक है, अब इंटरेस्ट, यहाँ पे वो इंटरेस्ट ऐड करना है मुझे जिस इंटरेस्ट में दिखाना चाहता हूँ। सपोज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये चूज़ कर लिया मैंने। अब ये देखिए नीचे आ रहा है सजेशंस। ठीक है, तो इसमें से मैंने चूज़ करते गया मैं। ठीक है, जो भी सजेशन आ रहे हैं ये मैंने 5 to 10 चूज़ कर लिया। ठीक है, ये 5 to 10 चूज़ कर लिया, देन डन। ठीक, और यहाँ पे एज आपको चूज़ कर लेना है, किस एज से किस एज तक आपको जो है ऐड दिखाना है। मान चलो मुझे यहाँ तक ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे आप ऑडियंस देख रहे हैं, ये ऑडियंस मेरी बन चुकी है। इसको मैं सिंपल राइट पर क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ भी मुझे नहीं करना है। ठीक है, इस ऑडियंस के ऊपर मैं ऐड रन करने वाला हूँ। कौन सी ऐड रन करने वाला हूँ, हमारी जो है वेबसाइट विजिट की मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ।
सिंपल, अब नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे बजट चूज करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2000 टू 5000 के आसपास यहाँ पे जो है रीच हमारी जाने वाली है। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा एड है वो रिव्यू में, यहाँ पे पेमेंट ऐड करते रिव्यू में चले जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा एड का प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका एड कैसे दिखेगा, कहाँ पे कैसा दिखेगा, फीड में कैसा दिखेगा, ये सब कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, बटन ऐसा लर्न मोर का बटन रहेगा। ठीक, और जैसे उस पर कोई यूज़र क्लिक करेगा वो चले जाएगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एड बजट 120 रुपीज़, एस्टिमेट टैक्स 21 रुपीज़ टैक्स लगने वाले हैं, और टोटल स्पेंड जो होने वाला है 141 रुपीज़ के आसपास होने वाला है पर डे। ठीक है, ऐसा हमें कह रहा है। यहाँ पेमेंट मेथड में क्लिक करूँगा, देन मुझे यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा तब जाके कहीं ऐड रन कर पाऊँगा, वरना बिना पेमेंट ऐड के मैं ऐड रन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ बूस्ट पोस्ट करूँगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, इतनी आसानी से हमारी ऐड बन गई। लेकिन यही चीज़ अगर उसमें करोगे तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे जिससे आप और आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच पाओगे, काफ़ी सारे एड्स के क्रिएटिव मिलेंगे, आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसके अलावा अगर उसमें जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, उसमें आप बहुत अच्छे टारगेट कर पाओगे अगर आप बिजनेस को लिटरली बढ़ाना चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं जिससे आप थोड़ा सा कम चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट विजिट है, ये तो अच्छी बात है आपने वेबसाइट विजिट चूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और गोल था। बूस्ट में क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट गोल है मैसेज का, तो इसके लिए आप मैसेज का यूज़ कर सकते हो, अच्छा वर्क करता है। प्रोफाइल विजिट का यूज़ कर सकते हो, अच्छा वर्क करता है, लेकिन वेबसाइट विजिट का अच्छा वर्क नहीं करता है। तो ये दोनों वर्क यूज़ कर सकते हो आप लोग, सिंपल है। जो मैंने आगे मेथड बताया सेम वही मेथड सब में अप्लाई होने वाला है। लाइक मैसेज में अगर मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑडियंस मैं चूज़ करता हूँ जो अभी हमने ऑडियंस बनाई, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, बजट डालना है, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे रिव्यू के लिए आ गया, और पोस्ट पोस्ट कर देंगे, दैट्स इट। बस देखिए 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपने पूरा एड्स रन करना सीख लिया, किसका, इंस्टाग्राम का, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी पूरी सीरीज जाके देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।